नाम जलेबी भाई नाम। दिस इज पीयूष प्रशांत, शहर जमशेदपुर, देश भारत। और मैं MSK उर्फ मोहम्मद सलीम खान यानी हमारे सलीम भैया को इसलिए देखता हूँ ना क्योंकि मेरी सोच और पर्सनालिटी उनसे हल्की फल्की मिलती है और मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को ना उनमें ही देखता हूँ। सीधे कहूँ तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। हेलो दोस्तों, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। तो कल के ब्लॉग में जहाँ पर कहानी खत्म हुई थी वहीं से कहानी अभी शुरू हो रही है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये कहानी सिर्फ इधर ही खत्म हुई थी और इधर ही शुरू होगी अगले 5 मिनट के बाद। लड़का कितनी मेहनत कर रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो पहले सब्सक्राइब करो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू दोस्त, तू मेरे लिए इतना करता है, मतलब इतने जोश में तो मैं भी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो। खून पसीना एक कर रखा है इसने। मेरे को चाय 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 प्लीज चाय। तुमको भी चाय? कॉफी। लास्ट वाले व्लॉग में सिर्फ इतना ही दिखाता है कि ये हमारा प्राइवेट स्पेस है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर हम पूरी रात चिल करेंगे, उसके बाद हमारे कमरे में लेके चलते हैं। साथ साथ ये सारे सामान भी रख देते हैं। ये लैपटॉप बैग उठा लो। पूनम तेरा ये बैग ले रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा कमरा, सामान यहाँ रख देंगे, बंक बेड, एक नॉर्मल बेड। देखो अलग अलग ऐसे कमरे लेके अलग अलग सब रुकेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। साथ में जो वक्त बिताते हैं, साथ में जो बातें होती है वो बहुत ही मजेदार होती है, और भी इतने दिनों बाद जब मिलके ऐसे बाहर लोनावला पावना लेक, तो फिर तो मजा और स्वाद दोनों आ जाएगा। बाहर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कहाँ सोएगा, हम दोनों इस बेड पे सोएंगे। गाड़ी में आ रहे थे तो पूनम को किसी ने कमेंट किया कि ये दोनों लोग शादी कभी कर लेते। दो ऑप्शन है यहाँ पर, 1-2। तेरा किधर? ऊपर। ऊंचे लोग ऊंची पसंद? यस, ऑलवेज। ये वो समझेंगे जो ये करते थे। नहीं समझी? पान मसाला नहीं, उसका क्या है? उसका, अरे वो वाला, क्या है? नाम पे भी भूल गया। एक बार ऐसे कर देना। तो ठीक है, डन है तेरा, आर्या के लिए ये। और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ी है, अभी तो मैंने आपको थोड़ा दिखाया और दिखाएंगे। अब थोड़ा रेस्ट ले लेते, अभी आए हम लोग, कुछ खा पी लेते। ब्लैक सुधर चाय, चाय मंगाया तूने? ओके, ऑर्डर हो गया, ठीक है। चाय वाय पियेंगे, मस्त चाय की जूस के, उसके बाद वापस देखेंगे। ये क्या है, कॉफी है? चाय है, ये कॉफी है। चाय कॉफी, मुझे येलो चाहिए। ले यहाँ पर तू देख रहा है कि इस रिजॉर्ट में ना सारी की सारी चीजें कलरफुल है, टेबल से लेके कमरे से लेके चाय का कप से लेके सब कुछ इतना रंगीन। सबको पता था एक टाइम पे कि तू आ रहा है, इसलिए इन्होंने फुल रंगीला कर दिया यहाँ पर। चलो अभी हम लोग मैगी खाते हैं, चाय पे तू चाय निकल, चाय पियेंगे। क्या आनंद आ गया, तू देख रहा है ना, इतना खुशनुमा माहौल घर के बाहर। चलो ठीक है, क्या ही ज्यादा ही कुछ बोल रहा है तुम्हें। जो हमको पकड़ ना सके वो पैदा ही नहीं हुआ है, रंग बाज। लेकिन इसने हमको पकड़ लिया। हाँ मेरे दोस्त, तेरे को पकड़ लिया हम दोनों ने। पहले ये दिखा लो, 50 तोला। अभी थोड़ा मैं दिखाऊंगा, ये जो रिजॉर्ट है काफी खूबसूरत है, रंगीन। दिल कर रहा है कि आपको भी बताऊं, तो मैंने तैयार किया ये मेरा GTA प्लेयर है। GTA प्लेयर? तो GTA कभी खेला ही नहीं? अरे यार, GTA में ऐसे ही लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, वही है क्या? वो देखा मैंने, वो दीवार में भी ऐसे फिरते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजॉर्ट है बहुत रंगीन है, आप देख सकते हैं रंगीन। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा रिजॉर्ट हो वैसे ही रंगीन हो। ये है हमारा गेमिंग जोन, यहाँ पर हम पूल खेल सकते हैं, यहाँ पर हम खेलेंगे टेबल टेनिस, पता नहीं कब खेलेंगे। ये भी हम अपने रिसोर्ट में लगाएंगे, मेरा राइट डोला, ये मेरा लेफ्ट डोला। यहाँ पर जिम है लेकिन हम जिम पता नहीं कब करेंगे। सत्या निकल, कौड़ी निकल। तो ये है कैरम बोर्ड, पता नहीं कब खेलेंगे। आओ, अरे GTA प्लेयर आ गया। ये है हमारा स्विमिंग पूल, पता नहीं कब जाएंगे अंदर। लेकिन मैं जब से डाइविंग कोर्स कंप्लीट करके आया ना, यू नो दैट आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, तो जब से डाइविंग करके आया ना तब से मेरे को पानी के अंदर जाने का बड़ा मन है। पर पता नहीं कब जाएंगे। लेकिन पता नहीं कब जाएंगे। अभी हम जाएंगे पावना लेक के पास, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। ये जो छाता है यहाँ पर जीवन है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बादल अभी भी छाए हुए हैं। एक छाता एक्स्ट्रा हम कैरी कर ही रहे, ये भी कैरी कर लेते हैं अगर बारिश हो गई तो। देखो हमको डर नहीं लगता भीगने से, हमको डर लगता है कि कैमरा ना भीग जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे सामने है पावना लेक। पहली बार यहाँ पर आया हूँ, हवाएं इतनी ज्यादा तेज है, ऊपर बादल ही बादल है। यहाँ पर जो पानी का कलर है ना, थोड़ा सा मिट्टीश, मतलब ये ब्राउन कलर में है, लेकिन वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो वो जो दो समंदर जब मिलते हैं ना, समंदर मंथन होता है, नहीं मंथन नहीं, समंदर मिलन, समंदर का जो मिलन होता है वैसा फील आ रहा है। मतलब यहाँ पर वहाँ पर मिट्टी लाल है, पहाड़ है, और ये वाला जो, ये जो है ना भाई, क्या बोला तूने, कौन सा फोर्ट है ये? लोहागढ़ फोर्ट। ये देखो सारे एक लाइन पे है, और यहाँ पर ये वाला अपनी चौड़ है, और उसी को देखने में मजा आ रहा है। जो अगर आप महाराष्ट्र में ट्रैकिंग देखोगे तो
लोहागढ़ फोर्ट जो सबसे इजी ट्रैक है, तो अगर आप कभी भी करना चाहो तो ये और ये दोनों का एंजॉय कर सकते हैं एक साथ। काफी ब्यूटीफुल जगह है यार, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन लास्ट टाइम कभी नहीं होगा ये, यहाँ पर मैं आते रहूंगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइब है यहाँ की, शांति वाली वाइब है, ज्यादा लोग भी नहीं है। हो भी सकता है कि शायद कोविड की वजह से ज्यादा लोग नहीं है, लोग होते हैं यहाँ पर यूजुअली सैटरडे संडे ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। कैंपिंग में वो तरफ ज्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे कैंप सेट होते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली रहता है। इतनी हवा चलती है, मजा आ गया, मजा लिया, मजा आ गया। तेरे बालों का तो पूरा हक आ गया छोटे होने का, फील है, फील है। तू क्या लग रहा है, क्या बात कर रहा है, तू क्या लग रहा है, क्या निखर के सामने आ रहा है ब्रो। थैंक यू। सूरज की रोशनी पे बादल का छांव है और वो रोशनी तेरे ऊपर पड़ रही है तो निखर रहा है ब्रो। मेरे हुस्न का कमाल है या तेरे 3.5 लाख के कैमरे का कमाल है ये बता दे। ये नेचर का कमाल है ब्रो। ये यहाँ पर आने के बाद मैं अपने ड्रोन को इतना मिस कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता था कि ये ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है। एक टाइम था यार जो भी ट्रिप में जाते थे ना ड्रोन शॉट कंपलसरी होता था, लेकिन आजकल ना मतलब ड्रोन लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई है, क्या ही रिस्क ले इसलिए लाते नहीं है। और मैंने आज इसलिए नहीं लाया था क्योंकि मुझे लगा कि बारिश वारिश बहुत तेज होने वाली है तो जाके मतलब लेके जाके कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन क्या बोलता वीरे, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। लो बात की बात है, पहले ये था कि अभी मेरे को पता है क्योंकि मैं पावना लेके आ चुका हूँ और मैंने ड्रोन उड़ाया था लास्ट टाइम। छोड़ो, जो चीज नहीं कर पाए उस पर रिग्रेट करके क्या करना, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बताइए। बहुत ही डेंजर सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, बारिश हो चुकी है बहुत ज्यादा तेज हवा के साथ और छाता उड़ा के लेके जा रही है। और हमारा अभी जो मेन हमारा जो रिस्पॉन्सिबल काम है वो है कि कैमरे को बचाएं किसी भी तरीके से। सही जा रहे हैं ना? हाँ हाँ सही है, सही है। एक तो क्या अंधेरा हो गया, हमारे को रास्ता भी ढूंढना है और बारिश शुरू हो गई है। पूनम बचा रही है मेरा कैमरा। पूनम है ना तो सही। हम दोनों बचा रहे हैं सत्य का कैमरा। क्या हम अपने आप को भिगा सकते हैं कैमरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावना लेक के किनारे सुकून वाला सेशन चल रहा था, मजा आया काफी। और अभी जेबिल के साथ होगा जैम सेशन। हमारे पास कोई गिटारिस्ट नहीं है जो गिटार बजाए और मनोरंजन करे, हमारे पास क्या है? YouTube म्यूजिक। JBL और JBL में म्यूजिक, उसी से अभी हमारी शाम कटेगी। अभी टाइम हो रहा है 9, तो हमारे पास वक्त है, बहुत वक्त है। वैसे अगर म्यूजिक नहीं भी चले ना तो यहाँ पर ना हल्की हल्की बारिश हो रही है और उसकी जो आवाज आ रही है ना धीमी धीमी, उसका फील अलग। हमारे जो आस पास जिन मच्छरों ने हमारे को घेर रखा है वो सारा पूनम को खा रहे हैं, हमारे को कोई नहीं खा रहा है। मच्छर ना इसे काट रहे ना मुझे काट रहे, इसे हमारे पास मच्छरों को इलाका मिल रहा है इतना, पूनम को इलाका मिल रहा है इतना। जलेबी भाई। तो फिर कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद ना। मैं और ये लड़की बैठ के कर रहे हैं चिल। कैसा लग रहा है तुम्हारे को चिल करते हुए? बड़ा मजा आ रहा है। वो हमारा जो दोस्त है वो कहाँ चढ़ गया? पीछे पलटो। अगर ये नहीं करूंगा तो फिर आप लोगों को व्लॉग नहीं मिलेगा। मेरे पीछे मेरे दोस्त जो भी बातें बना ले, लेकिन दिस इज द जरूरी, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डबल कंपलसरी है ये। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आपका कोच होता है तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं। और ये लेकिन ये चीज इतनी बढ़िया है ना यार, मेरे को ऐसा लगता है कि एक अपने घर में ऐसा बंक बेड होना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्त पार्टी वाड़ी कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट जगह है सोने के लिए। और ये ऐसे काम कर रहे हैं ना तो हमको यकीन है कि 365 डेज आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। क्या कहती है? बताओ हमारे जनता को, बताओ कि क्या है इस खाने में। ये है कोई मालवनी स्टाइल चिकन स्टीम्ड राइस विद कोरिएंडर। अरे वो ध्यान से रखो क्योंकि बच्चा रहे हैं। और ये है सुखा चिकन और चपाती, डिजर्ट भी है। या आई लाइक इट। और तुम्हारा फेवरेट सैलेड? प्याज भी है। प्याज भी है माय फेवरेट। आजकल मैंने सुना है कि हमारा जो डायलॉग है वो रील में काफी फेमस हो रहा है। जो हम क्रिएट करते हैं वो कोई और ही फेमस करता है, हम फेमस ही नहीं कर पाते, इसीलिए हमने वो अपलोड किया था। कौन सा वाला? पिज्जा आया रे, खाना आया रे। मैं ये नोटिस करता हूँ हमेशा और तू भी करता होगा कि हमारे ब्लॉग में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। जैसे वो मैंने वो पॉपकॉर्न बनाया था वाला भी लोगों ने उठा उठा के क्लिप शेयर करने लगे, हम कर ही नहीं रहे। या हमारे क्लिप को रीशेयर करो भैया, थोड़ा फॉलोअर बढ़ जाएंगे हमारे। और वीडियो एडिट करके हो गया तो बड़ा अच्छा लगा। जब वीडियो एडिट करके हो जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है। दूसरा सुकून कब मिलता है? जब अपलोड हो जाता है। फिर हम खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और मीठे में है गुलाब जामुन। और ये मैडम तुम जो कह रहे थे बता दूं?
बताओ आप लोग बताना ये कितना सही है और कितना गलत कीड़ा, है। कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा। नहीं मेरे को गुलाब जामुन ही खाना है, पहले मैं खा लेता, रुक जा भाई। ये कितना सही है और कितना गलत है आप बताओ। गुलाब जामुन को गर्म करने के लिए आप क्या चीज को यूज करने वाले थे? केटल। वो किस चीज के लिए होता है? पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने वाली चीज पे रसगुल्ला गर्म हो सकता है? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ उसका लिक्विड गर्म करना है। मैं मानता हूँ कि गर्म तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों होगा, ट्राई करते। देखो यह लड़की स्ट्रेटनर्स है, जब कपड़ा इस्त्री कर सकती है कुछ भी कर सकती है। रात के 12:30 बज गए, सब हो गया, व्लॉग शूट करके हो गया, व्लॉग अपलोड करके हो गया, मस्ती करके हो गया, चिल करके हो गया, सुकून वाली लाइफ भी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत कड़ाके वाली नींद आ रही है, अभी सोना है, सुबह उठना भी है, सुबह का कार्यक्रम अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो है कि जो मौसम बोलेगा वही करेंगे, बाकी सब बढ़िया। थैंक यू मेरे फटाफट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। वाडी कर खुदा ऑफिस, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। सब कल आएगा ना, तू तू भी कल व्लॉग करेगा ना? नहीं करेगा ना, ठीक है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए और मीठे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन। तुम ये हमेशा बोलते हो उल्टा। शिट शिट सॉरी, मैं हमेशा कंफ्यूज था बचपन में, अभी भी। ये पोस्ट क्रेडिट में डाल देंगे।